हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपने लेसन 3 द काबुली वाला हाफ लेसन अच्छे से रीड किया होगा। हाफ लेसन में बेटा हमने पढ़ा था कि मिनी नाम की एक 5 वर्ष की लड़की थी। वह बहुत ज़्यादा बोलती थी, कभी चुप नहीं रहती थी और अपने घर वालों से एक क्वेश्चन उसका आंसर जाने बिना ही दूसरा क्वेश्चन, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। और इसमें है एक काबुली वाला एक व्यक्ति जो एक बैग रखता है साथ, वो अक्सर मिनी के घर पर यात्रा करता। मिनी और काबुली वाला दोनों एक अच्छे दोस्त की भांति आपस में बातचीत करते थे। आज हम आगे रीड करेंगे बेटा। वंस ए ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी, जनवरी के मध्य रहमान द काबुली वाला, जो वो काबुली वाला था उसका नाम था बेटा रहमान, उसने जनवरी मंथ में क्या किया, वाज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री, वह अपने देश वापस लौट रहा था। एंड एज द टाइम अप्रोच ही वुड बी वेरी बिजी, और क्योंकि समय जो है नज़दीक आ रहा था तो वह बहुत बिजी था, गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग हिज डेब्ट्स, और वह एक घर से दूसरे घर जा जाकर अपना उधार इकट्ठा कर रहा था। इन ए डिस्प्यूट एक झगड़े में रहमान द काबुली वाला, एक झगड़े में जो रहमान था जिसे काबुली वाला कहते हैं, स्टैब्ड ए मैन, उसने एक आदमी को छुरा मारा। ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर्स एशोल्ट रहमान वाज सेंटेंसड टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, हत्या के आरोप में उसके ऊपर किसका चार्ज लगा, मर्डर्स एशोल्ट का, रहमान को कुछ वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया। टाइम पास, समय जाता रहा। एंड मिनी फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, और मिनी अपने उस पुराने दोस्त को भूल गई, द काबुली वाला। नाउ मिनी वाज ग्रोन अप इनटू ए प्रीटी मेडन, अब मिनी एक सुंदर युवती हो गई थी। सी वाज गोइंग टू बी मैरिड, उसकी शादी होने जा रही थी। देर वाज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, उसकी जल्दबाजी और उत्तेजना की कोई सीमा नहीं थी। आई वॉज सीटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, मैं अकाउंट्स को देख रहा था और स्टडी कर रहा था बैठा हुआ। वैन समवन एंटर्ड सल्यूटिंग रेस्पेक्टफुली, तभी कोई आया, उसने मुझे सम्मानपूर्वक सल्यूट किया। एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने खड़ा हो गया। इट वॉज रहमान, वह रहमान था द काबुली वाला। एट फर्स्ट, पहले आई डिड नॉट रिकोनाइज हिम, मैं उसको नहीं पहचाना। देर आर सेरेमोनीज गोइंग ऑन, यहाँ कुछ समारोह हैं होने जा रहे हैं। आई सैड, मैंने कहा, एंड आई एम बिज़ी, और मैं बहुत व्यस्त हूँ। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे, क्या तुम किसी दूसरे दिन आ सकते हो। एट वंस ही टर्न टू गो, और एकदम से ही जैसे वह जाने के लिए मुड़ा। बट एज ही रीच द डोर, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया। एंड सैड, और कहा, मे आई नॉट सीन द लिटिल वन, मैंने छोटी बच्ची को नहीं देखा सर, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने कहा कि मैंने उस छोटी बच्ची को नहीं देखा। इट वॉज इज ब्रीफ दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, यह उसका विश्वास था कि मिनी आज भी वैसी ही होगी जैसी वह पहले उसे छोड़कर गया था। He had pictured her running to him as he used calling, ओ काबुली वाला, काबुली वाला। उसके दिमाग में वही पिक्चर्स जो है दौड़ रही थी जब मिनी उसको काबुली वाला कहकर पुकारती थी। उसे लग रहा था कि आज भी मिनी वैसी ही होगी। He had imagined too, उसने कल्पना की, that they would laugh and talk together, कि वो आपस में हंसेंगे बातचीत करेंगे, just as of old, जैसा वो पहले करते थे। Tears came to my eyes, मेरी आँखों में आंसू आ गए। I forgot that he was a poor काबुली fruit seller, मैं भूल गया था कि वह गरीब काबुली वाला फल बेचने वाला था। He also was a father, वह भी एक पिता था। I called Mini, मैंने मिनी को बुलाया। And she came in her bridal dress, और वह अपनी दुल्हन की ड्रेस में आई। द काबुली वाज टर्न्ड टू सी हिम, काबुली वाला उसे देखकर हैरान रह गया।
ही रियलाइज दैट हर ओन डॉटर टू वुड हैव ग्रोन अप नाउ। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी। आई गेव सम मनी टू हिम, मैंने उसे कुछ धन दिया एंड सैड और कहा गो एंड सी योर डॉटर, जाओ और अपनी बेटी को देखो। मे यू फील हैप्पीनेस, तुम्हें खुशी मिले। आई हैड टू करटेल सम ऑफ द फेस्टिविटीज़, मुझे समारोह में से कुछ को काटना पड़ा, जो फंक्शन था उसमें से कुछ प्रोग्रामों को काटना पड़ा, कम करना पड़ा उनको। वी कुड नॉट अफोर्ड द इलेक्ट्रिक लाइट एंड द मिल्ट्री बैंड, हम इलेक्ट्रिक लाइट और मिल्ट्री बैंड को नहीं लगा सकते थे, मतलब उसके पास धन की कमी थी, तो वह इलेक्ट्रिक लाइट और मिल्ट्री बैंड जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता था, नहीं ला सकता था बेटी की शादी में। बट टू मी द वेडिंग फीस्ट वॉज ऑल द ब्राइटर फॉर द थॉट दैट इन ए डिस्टेंस लैंड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर वॉज गोइंग टू मीट अगेन विद हिज ओनली चाइल्ड। लेकिन उस शादी के खाने में सबसे ज़्यादा जो ब्राइटर अच्छा जो है मुझे लगा वो ये था, यह सोचना था कि दूर देश में जाकर एक पिता अपनी बेटी से मिलेगा, इस चीज़ की उसे खुशी जो है वो सबसे ज़्यादा थी। बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट लेसन रीड करना है। थैंक्स।